राम राम भाई साहिर भाई ने आपका भाई सुंदर दिनों दिया और आप देख रहे अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज़। दोस्तों बहनी हाँ आप और रोहतक गेट पर बैठे हाँ, तो मैं जाऊँ था, मैंने पहलवान जी मिल गए, सुंदर पहलवान जी बांबड़ा गांव से, तो आप सारे जानते हो गए। तो पहलवान जी आता है, दो बात कर लेंगे आप। पहलवान जी राम राम। राम राम भाई, ठीक हो पहलवान जी? हाँ ठीक सब भाई, दम बताओ ठीक से हो गए? बढ़िया है, बच रहे हैं किस में? पहलवान जी बात कर ले आप टिगरी बॉर्डर की, दिल्ली की, या भाई कितना टोल की, या कोई भी किसान को प्रभात आई है उड़ा आप खड़े मिले हो, लेकिन 24 तारीख ने इस हार में आपकी गैर मौजूदगी रही, तो क्या कारण रहा था भाई? 24 तारीख ने कौन सी ने किया 24 इस हार? एक बात बताऊँ भाई, कई ऐसी सिचुएशन हो जाए, दोनों घर ने बालक बीमार पड़े, लड़का बीमार है, अरे तू घर ने गाया भी हो? गाई भी गाया था घर का ने, अरे छोटी गुड़िया हैं 5 साल की, वह भी बीमार है, घर का ने भी देखना पड़ा है। उससे पहले तो जो महापंचायत अपने वहाँ जो हुई थी, क्या नाम उसका, 24 तो पहले में उस दिन पंचायत, उस दिन तो मैं था उड़ा। हाँ उस दिन अरे का दीप भाई, आदमी ना भी जान पावे, अरे का दीप चिल्ला भी जा, घर परिवार भी देखना पड़ा है भाई, घर ने को संभालने कौन हो फिर पता, घर ने एक बूढ़ी माँ है। ऐ एक बात बता, मैं उड़ा चले आ जाऊँ आरड़ा घर ने बालक बेहाल में पड़े, तो आदमी अपना पहले तो घर परिवार हो भाई, घर परिवार ने छोड़ के फिर चला जाना भी गलत बात, आड़ा बालक कल की मारे घर ने मर गए बुखार हो रहे सारे बालक दोनों का, थोड़ा अच्छा कौन लग गया आदमी, आऊँ तो जाऊँ यहाँ सारे बारे का दिव ना भी जाऊँ तो के वो जुल्म हो जाए, आदमी 100 बार डगर जा रहे एक दो बार ना जाओ तो कोई जुल्म ना होता, अरे वो मजबूरी हो जाए भाई का दिव। तो पहलवान जी 24 तारीख ने किसाना की जीत हुई है, इसके ऊपर क्या कहना चाहोगे आप? या जीत बसीब तमीन जीतते जीत सुनाई दे गया कदी बार का, तो कोई अपना मतलब है कौन किसाना का, किसान कदे को नहीं आ रहे, अरे ना कदे आ रहे किसान। दूसरी बात सुन ले, अपने अकातर खड़े हैं भाई, सरकार ने इन बात आप गौर करनी चाहिए, ये बीमारी चल रही है फिर भी ये किसान बड़े बुजुर्ग पान बेटी सारी जावा हैं आवे हैं, क्यों इनका के घर परिवार कौन है, इनने भी नू देख लेना चाहिए यार, ये भी किसी के बेटे होंगे, ये 3 काले काल उन्होंने अपने करके इन उल्टे, और अपने को अच्छा किसान भाइयों से बात करके और दोनों तालमेल बैठा के को अच्छा कानून लियाओ जिसमें किसान भी राजी हो जाए, कैसे समस्या भाई, वोट तो इन किसानों ने दे रहा किस मोदी के, सांप भी मर जाए लाठी भी नहीं टूटे ऐसा काम हो जाए। सांप मर जाए क्या कहा? सांप क्या कहा मर जाए ना क्या करे ना वही सांप, सांप सांप क्यों मर जाए? मोदी ने किसानी थोड़ी न करनी है, किसानी तो आम ही है, जो किसान है जो गरीब आदमी ये करे हैं, और जो अमीर अमीर आदमी वो किसानी थोड़ी न करे भाई, वो तो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल लामत लिया हुए हैं, गरीब आदमी तो अपनी छोरी बहनी बात चूत चक्के को नहीं करना पड़ता, किसान ये किसान का खुद बाटा रहे हैं, जिस दिन किसान ने किसानी छोड़ दी उधर तेरा देश भूखा नहीं मर जाएगा, जाओगे गड़े तुम्हें जाओगे है कि दे जगह पेट में कि मैं रोटी नहीं पड़ेगी तो रुपया तो तेरा पेट भर जाएगा के भर जाएगा किसी का ना, कोई भर देश ने किसान चलाओ कदे किसी का बहम हो, सरकार आने जाने चीज़ है, सरकार आने जाने चीज़ है, देश ने किसान चलाओ है, लोगों का पेट भर है, खुद के बाल उसके भूखे सो हैं, कर्जन दे ही तोड़ रखी किसान की, क्या मैं बकस तो ना रखा किसान के तो साढ़ दम रहोगी वो सुन नहीं आए कौन ने पता। तो पहलवान जी आगे का कह रहा होगा, मतलब 6 महीने हो गया आज, आज का दिन ये लगा लो जो गुरुनाम सिंह चढ़ोनी उन्होंने बोला था कि भाई काला दिवस नहीं कह के रोष प्रदर्शन करें, आज का दिन किसान आंदोलन शुरू हुआ था। हाँ आज का दिन हुआ था, महीने उस तो पहले भी था, तो पीपली कांड जब हुआ था आप फिर नू अपने धरने नहीं इतने दिन हो गए, उसका पहले भी गुरनाम सिंह चढ़ू नीर भाई किसान भाई तो लड़ाई लड़ती उसका पहले के भी आ रहे हैं, लठ भी खाए थे किसान पीपली मन बता नहीं भूल सका, हम शुरुआत तोड़ी तो हुई थी तो अपना हरियाणा तो किसान है भाई अपना हक पर बैठे हैं यार, इब एक बात बता को छोटा बालक से भूखा मर जाएगा ना, रो तो वो भी गाह उसकी माँ का गए, रो तो वो भी गाह मैंने दूध पिया बने रोई तो माँ भी दूध ना पहनती, तो किसान अपना हक की आवाज़ उठाओ, अपने बैठे हैं प्रदर्शन करें, अपने घर तक काम करें भाई सारे, अपना खेत का काम छोड़ के बेचारे उठ जा हैं, तो यार इतना नहीं होना चाहिए, हद होगी, अरे कितने आदमी मर लिए मारे, कितने शहीद हो लिए,
कोई नूह ही नहीं दिखाता कोई भाई मर लिए क्यों भाई, ये के देश के कोनी बाहर देश तार रहेंगी है, इतनी नहीं होनी चाहिए यार। वोट दे रखे हैं लोगों ने जब भी इनकी सरकार बनी थी। अरे एक बात और बता दूँ मैं ना, ये जो नेता लोग हैं जो भी वो इलेक्शन हुए थे सांसद के अपने, तो किसी ने भी टिकट मिल गई चाहे किसा भी सांसद होया, चाहे उसकी हारने की नौबत थी, अगवाई वो जीतता है कौन किसी भी हालत में, तो मोदी का नाम लेगी जब उस टाइम पर हमें वोट गिरे थे, मोदी का नाम लेगी वो वोट दे दिए और वो बन गया। ई वीसा सिचुएशन हो गया, चाहे कितने बड़ी आदमी टिकट दे दियो, मोदी का नाम लेके खड़ा होगा तो हारेगा। देख समय का परिवर्तन, तो भाई समय तो बच के रहना चाहिए, टाइम करा के करवा दे। समय तो आदमी ने अरस्त फरस सारे काम समय, आमिन मेरी उम्र 47 साल की होगी, इतनी दुनियादारी में इतनी उम्र में बहुत घना कुछ देखे है मेरे भाई, बहुत जमीन आसमान का फर्क होंगे, हमें इंसान बदलते देखे हैं, समय बदलता देखे हैं। आजकल फेसबुक पर भी यूट्यूब पर भी आ रहा है सुशील कुमार पहलवान जी हैं अपने, तो पहले तिरंगा दिखा रहा क्या, फिर खोलिए मैं मुँह लपटे, तो बोले समय करा दे नरके कर ले हैं पहलवान जी, समय पहलवान हो। देख भाई बात मेरा के है, पहलवान है हमारे कुश्ती में 4 चांद सुशील पहलवान लगवाए थे, कुश्ती ख़त्म हो गई थी जब पहलवान जिया ने कुश्ती की शुरुआत दी, मेडल ले रखे 2 भाई को ले के दिखाओ बेरा पाट जाएगा। और भाई वह जो उनकी आपसरी की लड़ाई है वो भाई उस बारे में आपा कुछ नहीं कह सकते, हम एक कुश्ती के बारे में बता सका नहीं, आपा सिर्फ समय की बात करें पहलवान जी। हाँ भाई समय देख ले पहलवान ने तो कदे कदे सुशील सुशील, अरे कई मैं यूट्यूब पर देखा हाँ कि देखा हाँ बोले नू है नू है, भाई समय करा के करवा दिया, हालात करा के करवा दिया करें हैं, हम दोनों को वहाँ भाई रोले देंगे तो दूर रहना चाहिए इंसान ने, पहलवान ने रोले देंगे तो दूर ही रहना चाहिए था, हम तो यह बात कहाँ हाँ फिर भाई ऊनी अपना बढ़ ले जाया करें, ऊनी अपना बढ़ ले के चल जा रहा भाई। काला दिवस कि मैं झंडा झुंडा ला रखा है घर पता नहीं क्यों। देखो काला दिवस ये बोला था, काला दिवस मत बोलो, आज बुद्ध पूर्णिमा जयंती है तो उसके ऊपर आप काले झंडे दिखा सकते हो, रोज प्रदर्शन कर सकते हो, पुतला फूंक सकते हो, लेकिन काला दिवस नहीं बोल सकते। यार मैं कहूँगा फिर तेरी वीडियो घनी लंबी हो जाएगी, सुन मेरी बात, बौद्ध धर्म जो आपने बताओ तुम्हें इसका मान सम्मान करा हर भाई, उनका बधाई भी हो, वो भी एक भगवान भगवान है और सबको बधाई भाई, हम बहुत खुश हो इस बात है। फिर जो काला दिवस उन खातर थोड़ी ना, हम बौद्ध धर्म खातर उन खातर कौन करते भाई, ये तो हमें जिन खातर कर रखे उस खातर कर रखे, लड़ाई लड़न लग रही है। मैं तने नू पूछू तने काला झंडा लगाया कौन लगाया छत पर, पहलवान जी किशन को लगा रखे आपने देख किया मैं नहीं आपने नहीं कौन लगाने लगाना चाहिए, लगाना चाहिए छोटा हाव अपने छत पर लगा ले विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। अरे हम तुम मदद थे भाई, जो बीजेपी ने कि मैं कहाँ अर्दा बोलने ना दिया अर्दे, बीजेपी के पूरी सपोर्ट करे अर्दे भाई, फिर इन किसाना गेला गलत कर दिया, महाराज जी उठ गया सरकार था तेरी कसम। अब कई नू कहते हैं ये भाई कांग्रेस के आदमी पाऊंगे भाई, ये कांग्रेस के हैं ये बीजेपी देख के नू है नू है, भाई मैं छाती धोखी को हूँ, बीजेपी के वोट गिरे थे घनश्याम शराबती, अरे के नाम इनके ये देख दो अपने धर्मवीरती दिए थे, अरे वो फोटो भी पड़ी होंगी मेरी, तो फिर नू दिए थे भाई अच्छे काम करेंगे, जब भी सरकार आई थी फिर हमें कि नू बेरा था ये कोरोना काल में ये काले कानून ले आऊँगे कर देंगे काम मारा था सली थे। ये 12 बजे के पाछा ये देखा अपने दुकान पर आएगी मोनू की 12 बजे के बाद बंद दहा दे, हाँ मोनू आ जा गने, यो भाई अपने मोनू या दुकान इसे भाई की है बैठ जा मोनू, ये महसूस हो रहा है भाई तो पूछ ले दुकानदार भाई ये कहना चाहोगे भाई साहब। भाई साहब कम से कम दुकानदारों के लिए 9 से 3 का टाइम राइट था, अब सुबह 7 बजे अब गांव के लोग सुबह 7 बजे तो आते नहीं, वो 10 या 11 बजे आते हैं, उनको 1 घंटा सामान खरीदने का मिलता है, लेकिन उस कारण भीड़ भी होती है बाजारों में, कम से कम 3 बजे तक का टाइम हो तो बंदे को 5-6 घंटे शॉपिंग के लिए मिल जाते हैं, तो इस कारण फिर बाजार में भीड़ भी नहीं होगी, 1 घंटे में एकदम कुछ ओड इवन के कारण ज़्यादा, एक दिन एक दुकान बंद है एक खुली है, तो एक ही दुकान पर ज़्यादा रहता है, सरकार को कुछ ऐसा सोचना चाहिए कि सारी दुकानें टाइम से खुले और इतना टाइम भी मिले कि बंदा आराम से शॉपिंग कर सके, तो उसके कारण भीड़ भी कम होगी बाजार में, और जो कोरोना की ये बता रहे हैं वो भी कम होएगा थोड़ा,
तो सरकार को इस बारे में थोड़ा सोचना चाहिए, टाइम कम से कम 3 बजे या 4 बजे तक करनी चाहिए टाइमिंग। एक पुराना गांव है उड़ा भी आप गए थे, ये भी दे के आए थे, बादाम भी दे के आए थे, तो के कुछ रहा था उस दिन, के कुछ माहौल था? उड़ा घी दे के आया था मैं, मेरे ख्याल में 25-30 किलो तो घी होगा शायद, वो पहलवान थे, बड़ा गुण का भाई थोड़ा, लेकिन किसी का थोड़ा कम भी ब्योत हो जाएगा था। और भाई बादाम थे, घने बादाम थे मेरे ख्याल में, बादाम कितने किलो? बादाम की गरी थी मैं, मेरे ख्याल में 15 दूंगी, पूरा ध्यान को नहीं मेरा, 15 किलो गरी, हाँ लगभग 15 किलो, 15 नहीं तो भाई 12 तो मेरे ख्याल में रोड नहीं पाने चीज ध्यान साहब को इतना, वो देखे आए थे। तो भाई गामा में भी देवा हम, तो भाई जो को पहलवान जीत जाए उसने अलग तब लागी, अगले भाई तू कुश्ती जीतते हैं ले भाई अपने तू घी ले, तो मारी गए भाई छोटी बात को नहीं है जो, और 10 दंगल करवा लिए, 10 दंगल करवा लिए कुश्तियाँ, वो एक करवा के देख लो मेरा बैठ जाएगा। मैं भी गया था भाई एक दंगल में, तो मैं भी गया था पहलवान जी। तू था दंगल में? उस दंगल में तुमने नू बता कितने पहलवान थे, और कोरोना काल के बाद वो दंगल था पहला ही दंगल था पहलवान, पहला था ना अपने बैठ जिले में। अच्छा उस टाइम पर तू गवा था, कोई पहलवान जिसने कुश्ती नहीं करी उसने नाम मिला ना नाम मिला? भाई साहब मैं बता दूं, जितने मेरे दर्शक देख रहे हैं कोई भी पहलवान खाली हाथ नहीं गया। क्या आर्या उसकी भी नाम दिए भाई अपन, जो आर्गी गया है ना उसकी भी नाम दिए, और जिसने कपड़े भी नहीं काटे, और जो जिसके हाथ भाई यो रह गया पहलवान उसकी भी नाम दिया, और जो जितनी लड़की आ रही थी बने कुश्ती करी रपी दी उनती दिए थे, और मेरा भी मान सम्मान करा था भाई साहब 1100 रुपया थे। कोई बात को नहीं, एक बात बताऊँ, दुनिया नु भोके जा रहा, अपना काम है अपना कर्म अपना करना, कुछ खिलाफत करनी है और कुछ खिलाफत करनी नहीं पाऊंगे तो फिर मजा हावी ना होने, अपना कर्म करा भाई अपना कर्म करा। अरे हम तो नहीं कहूँगा जितने पहलवान भाई अपने लागे रहो भाई देश खातर मेडल लाओ दंगल तारे और भी भरवान दे रहे जिंदे जागते रहे तो भाई, अरे मरे गए तो दूसरी बात है, जीवांगे इतने भाई तारे दंगल करवाते रहोंगे तभी मेडल तैयारी करते रहो मेडल लेते रहो देश खातर, कोई दिक्कत को ना भाई। ठीक है पहलवान जी, ठीक है भाई, राम राम। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ में सुंदर पहलवान गांव बांबड़ा से, तो और भी अच्छे अच्छी वीडियो लेते रहेंगे बनाते रहेंगे, तो देखते ही रहिए अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज़। मैं आपका भाई सुंदर दिनों दिया, जय हिंद जय भारत जय जवान जय किसान भारत माता की जय।